ये वीडियो स्पेसिफिकली उन व्यक्तियों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट को या ट्रेडिंग को फुल टाइम करते हैं। देखिए, दो या तीन तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक तो जो महीने में एक बार ट्रेड करते हैं, एक जो पार्ट टाइम रोज एक घंटे की ट्रेडिंग कर रहे हैं, और तीसरा ट्रेडर जो फुल टाइम हर रोज डे ट्रेडिंग कर रहा है। फुल टाइम उसका एक ही बिजनेस है कि डे ट्रेडिंग करनी। तो उन लोगों के लिए, थर्ड कैटेगरी के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो है। बाकी दो कैटेगरीज के लिए इसमें आप हेल्प जरूर ले सकते हैं, बट ज़्यादा स्पेसिफिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि फुल टाइम ट्रेडर्स हैं और अपना लॉन्ग टर्म विजन भी उनका 10, 15, 20 साल ट्रेडिंग ही करनी है, उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली वीडियो है। और इसमें मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, जब भी आप किसी ट्रेडर की या आप अपनी एनालिसिस कर रहे हैं, आप ट्रेडर हैं, तो आपको कुंडली के अंदर इन सब चीज़ों की एनालिसिस करनी चाहिए। D1 की, D9, D10, D45, D60, D30 और नॉर्मल दशा के साथ योगिनी दशा। देखिए, ये सारी एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इन रियलिटी एस्ट्रोलॉजी यूज़ करनी है अपने ट्रेडिंग करियर में। अदरवाइज अगर आप ऊपर ऊपर से सिर्फ D1 या लग्न चार्ट देख के कुंडली देख लेंगे तो बहुत चांसेस है कि आप एज अ ट्रेडर, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग ऐसी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अगर आपने 300 दिन प्रॉफिट कर भी लिया, अगले दिन हो सकता है आप सब कुछ ही लूज कर दीजिए। तो इसीलिए फॉर ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप स्पेसिफिकली डिटेल्ड एनालिसिस करिए और फिर अपने कोई कंक्लूजन पे आइए। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ D1 चार्ट की बात करूंगा, बाकी सारी चीज़ें जो हमने D9, 10, 45, 60, 30 और योगिनी दशा वगैरह है वो हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि वो बहुत ही वास्ट टॉपिक्स हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं लग्न चार्ट के ऊपर कि जो व्यक्ति फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहता है उसको लग्न चार्ट में अपने क्या क्या चेक करना चाहिए। तो अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं या फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, आपने सबसे पहले ये घर चेक करने हैं अपनी कुंडली के अंदर। देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया सेकेंड हाउस ऑफ योर कुंडली, सेकेंड इंपॉर्टेंस आ गई है हमारी फिफ्थ हाउस को, सेकेंड हाउस हो गया, फिफ्थ हाउस हो गया और एट्थ हाउस हो गया। तीन हाउसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अगर आपने ट्रेडिंग करनी है। और अगर आप दूसरों के पैसों की ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि आपके मदर या फादर के पैसे हैं, आपके जो स्पाउस है उसके पैसे हैं, या आपके क्लाइंट्स के पैसे हैं जिसमें आपको शेयर मिलेगा, उस केस में आपको एक ये सिक्स्थ हाउस भी स्टडी करनी चाहिए। और साथ के साथ थोड़ा इंपॉर्टेंस हम 11th हाउस को भी देते हैं क्योंकि डे टू डे इनकम यहाँ से देखते हैं हम। तो ओवरऑल हमने सेकेंड हाउस देखा, फिफ्थ हाउस देखा, एट्थ हाउस देखा, दूसरों की वेल्थ जब ट्रेड कर रहे हैं, सिक्स्थ हाउस देखा और 11th हाउस देखा। तो ये हाउसेज हो गए जो हम स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए। आप बात करते हैं कौन से ग्रह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फुल टाइम ट्रेडर के एनालिसिस के लिए। तो देखिए, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं, आपको अपनी कुंडली में सबसे पहला ग्रह जो डिटेल में एनालिसिस जिसकी करनी चाहिए वो होता है मर्क्यूरी, यानी कि बुध। एक तो हमने बुध की एनालिसिस करनी है, दूसरा जो भी आपके इस हाउस का लॉर्ड प्लैनेट है, अगर यहाँ पर चार नंबर आ गया तो मून हो गया, नौ नंबर आ गया तो जुपिटर हो गया, तो सेकेंड लॉर्ड एक हो गया मर्क्यूरी, एक हो गया सेकेंड लॉर्ड, एक हो गया फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ हाउस का जो भी लॉर्ड होगा, तीन ग्रह ये हो गए, और चौथा ग्रह आ गया चंद्र और राहु। पांच ग्रह हो गए, एक तो हो गया बुध, एक हो गया सेकेंड हाउस का लॉर्ड, एक हो गया फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, एक हो गया चंद्र और एक हो गया राहु। ये पांच ग्रहों की हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं किसी भी ट्रेडर के लिए। एक चीज आप ध्यान में रखें, देखिए ये जो कंडीशंस हम अभी बात करेंगे, आपकी अगर ए टू जेड सारी की सारी कंडीशंस मैच होती है तभी आपके लिए फुल टाइम कैरियर ट्रेडिंग बना है। अगर उनमें से एक भी कंडीशन मैच नहीं होती, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग ऐसा करियर है जिसमें रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपकी सारी चीज़ें मैच नहीं होती तो आपको या तो जो मैच नहीं हो रहा उसकी रेमेडीज करनी चाहिए या फिर ट्रेडिंग फुल टाइम नहीं करनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट चीज़ के साथ। देखिए, फर्स्ट चीज़ जो आपकी मैच होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपने इस घर को देखना है, 10th हाउस को आपने देखना है। 10th हाउस आपका कुंडली में वीक होना चाहिए अगर आपने फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है। देखिए, 10th हाउस अगर स्ट्रांग होगा, सपोज गुरु ही बैठ गया या फिर अच्छे प्लैनेट्स, एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स 10th हाउस में बैठ गए, तो आपको डे टू डे इनकम यानी कि डे टू डे जो जॉब होती है 9 to 5 जॉब करनी पड़ेगी, आपका ये कैरियर अच्छा बनाता है। अगर आपने फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि 10th हाउस आपकी कुंडली में वीक होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए। अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर आपने फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है,
आपका सेकंड लॉर्ड जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, इन दोनों में कनेक्शन बनना ही चाहिए। अगर सेकंड और फिफ्थ में किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं बन रहा तो आप फुल टाइम ट्रेडर्स नहीं बन सकते। अब मैं बताता हूँ कनेक्शन किस किस वे से बन सकता है। देखिए, सपोज करिए ये आपकी राशि आ गई, तो यहाँ पे सेकंड हाउस हो गया शुक्र के अंडर, वीनस इसका लॉर्ड हो गया, यहाँ पे इसका लॉर्ड हो गया शनि, राइट। तो अगर ये दोनों आपकी कुंडली में कहीं जाके एक साथ बैठ जाएं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो तब भी कनेक्शन बन सकता है। अगर ये एक दूसरे की ऑपोजिट राशि में बैठ गए, शुक्र यहाँ आ गया शनि आ गया, तब भी कनेक्शन बन सकता है। अगर ये एक दूसरे के ऑपोजिट बैठ गए, यानी कि शुक्र यहाँ है और यहाँ पे शनि आ जाए सिर्फ, तो भी कनेक्शन बन गया। किसी भी प्रकार से अगर सेकेंड हाउस और फिफ्थ हाउस का कनेक्शन बन रहा है, सिर्फ तब आप ये सोचिए कि मैंने फुल टाइम ट्रेडर अपनी ज़िंदगी में बनना है। अगली कंडीशन पर चलते हैं। देखिए, ग्यारहवां घर जो हमारी कुंडली का है, ये जो है ये हमारी डे टू डे इनकम दर्शाता है। जिस व्यक्ति का ग्यारहवां घर कुंडली के अंदर राहु जैसे प्लैनेट्स के साथ अफेक्टेड होता है, इवन शुक्र इवन बुध जैसे, तो सपोज करिए राहु वीनस या फिर मर्क्यूरी, अगर इन तीनों में से कोई भी ग्यारहवें घर में बैठ गया या इसको सातवीं दृष्टि से देखता है, इस पर नजर डाल रहा है, तो एक तरह से ऐसा व्यक्ति क्विक गेंस की तरफ जाता है अपनी लाइफ में। उसको डे टू डे जो रेगुलर सैलरी आती है उसे सेटिस्फैक्शन नहीं होती। तो हम ये बोलते हैं अगर ग्यारहवां घर आपके ऐसे ग्रह देखते हैं ग्यारहवें घर को, तो और ज़्यादा चांसेस है कि आपको ऐसी मोटिवेशन आए लाइफ में कि आप ये चाहते हो मुझे क्विक मनी चाहिए, और क्विक मनी ट्रेडर्स के लिए एक तरह से रोज़ का काम भी बन सकता है। तो इसीलिए अगर ग्यारहवां घर की कंडीशन आप चेक करेंगे तो ज़्यादा आसानी से पहचान पाएंगे क्या आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं या नहीं। अब अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। देखिए, अब चलते हैं अपनी दूसरी कंडीशन के ऊपर। देखिए, जब आप दूसरों की मनी या तो ट्रेड कर रहे हैं खुद अपने स्पाउस की अपने पेरेंट्स की, या फिर आप ऐसी मार्केट ट्रेड कर रहे हैं जिसमें जीरो सम गेम है, जैसे कि ऑप्शंस हो गए, फ्यूचर्स हो गए, बिटकॉइन हो गया एक तरह से, तो आपने छठा और आठवां घर इन दोनों की एक तरह से कंडीशन देखनी है। देखिए कंडीशन क्या देखेंगे, अगर सिक्स्थ लॉर्ड के साथ फॉर एग्जांपल यहां पे छठी राशि ही होती तो यहां पे अब मर्करी इसका ओनर आ गया। फिफ्थ सिक्स्थ लॉर्ड के साथ अगर या तो गुरु बैठ जाए, या गुरु इसको डायरेक्टली देख रहा हो यहां बैठ जाए, या फिर एट्थ लॉर्ड के साथ गुरु बैठ जाए, जैसे सेवन एट यहां पे मार्स आ गया, मार्स के साथ गुरु बैठ गया, या फिर गुरु यहां बैठ जाता, या फिर असेंडेंट है जो आपका, असेंडेंट बैठ जाए गुरु की जगह इस लॉर्ड के साथ या इस लॉर्ड के साथ, तो एक तरह से ये ऐसा योग बनाता है। जब आपका सिक्स्थ या एट्थ हाउस स्ट्रांग हो गया, ऐसा योग बनेगा कि बाकी व्यक्ति ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, उनको लगेगा कि आपको ज्यादा ज्ञान है या फिर आप ज्यादा अच्छी तरह उनके पैसे हैंडल कर सकते हो, तो ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आप दूसरों की मनी भी ट्रेड कर पाएंगे और दूसरों की मनी मिलने के आपको ज्यादा चांसेस बन जाते हैं, तो फ्यूचर ट्रेडिंग में भी ज्यादा सक्सेस पा पाएंगे। इस वीडियो के लिए जो आखिरी पॉइंट है वो मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं कि जब आपने ये सब कुछ चेक कर लिया, तो एक ग्रह है जिसकी स्थिति आपको 100% चेक करनी चाहिए अगर आपने फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, वो है चंद्र। देखिए, चंद्र अगर आपकी कुंडली में वीक होगा, बाकी सारी कंडीशंस मैच हो भी रही है, अगर आपको दूसरों की वेल्थ मिलने के भी योग बन रहे हैं, अगर चंद्र वीक होगा तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। अगर एक ट्रेडर ने अपने माइंड पे ही कंट्रोल नहीं किया तो वो कभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं कर सकता। वो एक दो ट्रेड्स में तो जीत सकता है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं कर सकता। इसीलिए चंद्र अगर आपकी कुंडली में राहु जैसे प्लैनेट या केतु जैसे प्लैनेट या शनि जैसे प्लैनेट के साथ अफेक्टेड हो, तो चंद्र की रेमेडीज करना बहुत ज़रूरी है। एक तो मैं हर ट्रेडर को यह बोलता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, 10 लीटर पानी रोज़ आपको पीना ही चाहिए। खाना कम खाइए ट्रेडिंग से पहले, पानी ज़्यादा पीजिए, ताकि चंद्र स्टेबल हो, आपका जो वाटर एलिमेंट है वो स्टेबलाइज हो, आपका माइंड स्टेबल होगा, आप बिल्कुल एक्यूरेट डिसीजंस ले पाएंगे ट्रेडिंग में। क्योंकि बाकी सारी कंडीशंस देख भी ली ना, तो ये एक कंडीशन आपने ज़रूर चेक करनी है, चंद्र की रेमेडीज अपनी लाइफ में ज़रूर करिए। तो आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी कि किस तरह से हम एक ट्रेडर की एनालिसिस करते हैं कुंडली में। और ये तो सिर्फ D1 की एनालिसिस होगी, इसके अलावा बाकी चार्ट्स भी देखे जाते हैं, D9, 10, 30, 35, 45, फिर योगनी दशा देखी जाती है कि ऐसी योगनी दशा तो नहीं चल रही, उल्का की तो नहीं चल रही, या फिर संकटा की दशा तो नहीं चल रही जिसमें इसको लॉसेज होने के ज़्यादा चांसेज है। तो बहुत कुछ देखा जाता है और ओवरऑल एनालिसिस उसके बाद ही हम एक्यूरेटली बता सकते हैं ये कैसा हो सकता है आपके लिए ट्रेडिंग का कैरियर। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग का कैरियर ऐसा है जिसमें बहुत कम लोग ही ज़्यादा देर तक टिक पाते हैं, थोड़े लोग जल्दी प्रॉफिट करके बाद में लॉसेस करके अल्टीमेटली इस मार्केट से चले ही जाते हैं।
तो अगर आपने ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपनी कुंडली एनालिसिस करिए या करवाइए और डिटेल में करवाइए। सिर्फ D1 चार्ट के एनालिसिस से कुछ नहीं होता है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो आपके ट्रेडर दोस्त हैं उनको ये जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।